देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन मुझे क्या बोलने जा रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दिस इज द सर्कुलर पेपर। सपोज करो सर्कुलर पीस ऑफ पेपर है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला पीस था उसको मैंने क्या किया, इसमें से कट कर दिया, और इस तरीके से कट किया मैंने इसको कि ये एंगल कितने का है, 90। अब जो पीस ऑफ पेपर बचा है, अब मैंने क्या किया, ए और बी को मिला के मैंने क्या बनाया, कोण। समझ लो, ए और बी को मैंने मिला के क्या बनाया, कोण। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और रेडियस ऑफ बेस निकालना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पर ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बोलूं कि पूरे की सर्कमफेरेंस कितनी है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 × π × 4। ठीक है, ये किसकी होगी, पूरे सर्किल की क्या होगी, सर्कमफेरेंस। अब मुझे बताओ, मुझे ये पोर्शन मेरा कट हो गया ऐसे, अब ये वाला कितना हो गया एंगल, 270 डिग्री, कितना हो गया, 270 डिग्री। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो सर्कमफेरेंस की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी इसके अंदर, दिस इज डिवाइड बाई 360 × 270। ठीक है, ये गया 90 से 3 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, 4 से 4 कट हो गया, तो ये कितना आ गया, 6π। तो अब जो बेस होगा कोन का, जब मैं ए और बी को ग्लू कर दूंगा, ग्लू टुगेदर, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा कि ये जो सर्कमफेरेंस होगी वो किसकी सर्कमफेरेंस बन जाएगी, कोन की। ठीक है, तो मैंने बोला लेट जो कोन बनता है उसकी रेडियस है 2πr' इज इक्वल्स टू किसके होगा, 6π। पाई से पाई कट जाएगा, r' इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो कोन बनाया है उसकी कितनी आ गई, मेरे पास रेडियस ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास कोन कैसा बना, ये वाली रेडियस कितनी होगी मेरे पास, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो मैं ए और बी को ग्लू करूंगा तो दिस इज द 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, हाइट निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, हाइट। अब मेरा पहला आंसर तो आई गया, फाइंड आउट रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस ऑफ द बेस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब मैं इससे हाइट निकालता हूँ, हाइट कितना हो जाएगा, 4² - 3² दिस इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4² - 3² सो दिस विल बिकम 4 + 3 and 4 - 3 सो दिस विल बी अ 7 एच स्क्वायर इक्वल्स टू 7 एच इज √7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 × π × r² सो आर स्क्वायर इज 3² × h दिस इज √7। ठीक है, अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, सो आंसर विल बी 3π √7। या मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ, पाई की वैल्यू डाल दूँ, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो वॉल्यूम कितना होगा, दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन क्रिएटेड बाय कटिंग दिस पीस ऑफ पेपर। ठीक है बेटा, इसमें देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगा तुम्हारा, कि पहले तुमने सर्कमफेरेंस निकाली इसकी, कट हो गया पीस, 270 पे तुमने सर्कमफेरेंस निकाली, उससे तुमने क्या निकाली, रेडियस निकाली, रेडियस निकाल के तुमने क्या निकाला, हाइट निकाली। ठीक है, हाइट से तुम्हारे पास वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता ही है, 1/3 πr² h, तो उससे तुम्हारा ये आंसर आएगा। ठीक है, देखो बेटा ये बेसिक चीज़ है सर।